शूलेसेस और जितने भी रोप्स हैं वो सारी की सारी बनाने की ये मशीन होती है। इसके अंदर आप काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स हैं, मेरे पास 100 से ऊपर मॉडल्स हैं इन तरीके की मशीनों के। क्या 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 सर, आप 100 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के मॉडल्स हैं हमारे पास जी। इसके अंदर जो अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं ये 40 स्पिंडल की मशीन है, डबल हेड की। इसमें 40 धागे की पोजीशंस हैं जिससे कि मिलके ये रोप बन रही है। इसमें इसके अंदर 1 इंच तक की आप टेप निकाल सकते हैं, 1427 बोलते हैं हम इसको। और ये हमारी प्रीमियम सीरीज़ है JYW। RPM अराउंड 1100 RPM पे ये मशीन चल रही है और प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी है। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट निगलिजिबल इसकी प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस बहुत ही कम है इसकी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो, स्वागत है आपका। और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ पर और एक ऐसे कंपनी के पास लेकर आया हूँ जो नैरो फैब्रिक जो मशीनरीज यूज होते हैं वो बनाते हैं। और सर से बात करते हैं, मशीनरीज के बारे में देखेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो या अगर आप नया सेटअप लगाना चाहते हो या स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम गुड, माई सेल्फ इज़ गुरजीत। हम लोगों की जो कंपनी है वो टेक्सिम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग वेनली ब्रांड्स की मशीनरीज इंडिया में करते हैं और इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं नैरो फैब्रिक के लिए। कोई भी जिसको भी आपको शूलेस बनाना है, इलास्टिक बनाना है, पीपी की टेप बनानी है, इस तरीके की कोई भी नैरो फैब्रिक की कोई भी चीज़ है वो अगर किसी को मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके लिए। तो सर ये आपकी कंपनी बेस्ड कहाँ की कंपनी है? हमारी चाइना बेस्ड कंपनी है, हमारा दिल्ली में अशोक विहार में हमारा ऑफिस है और काफ़ी सालों से हम लोग 16 साल से हम लोग इंडिया के अंदर प्रेजेंस हैं जी। आज के डेट में मार्केट लीडर्स हैं जिपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इलास्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सब में हम लोग मार्केट लीडर्स हैं इस वक्त। तो यहाँ पर सर काफ़ी सारी मशीनरीज अवेलेबल है, मशीनरीज के बारे में बता सकते हैं? यहाँ पे जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, एक हम निडलूम डिस्प्ले कर रहे हैं जिसके अंदर टेप्स बनती हैं। आइए सर, आइए मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। ये 14 हेड्स की मशीन है, इसके अंदर 1 इंच तक की आप टेप निकाल सकते हैं, 1427 बोलते हैं हम इसको। और ये हमारी प्रीमियम सीरीज़ है JYW। RPM अराउंड 1100 RPM पे ये मशीन चल रही है और प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी है, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट निगलिजिबल इसकी प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस बहुत ही कम है इसकी। कितने सुई लगे होंगे सर? इसमें 14 हेड चल रहे हैं। अच्छा। आप मैक्सिमम 1 इंच तक चला सकते हैं, अभी हम 10 mm की टेप चला रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो मशीनरीज अगर कोई लेना चाहते हैं सर, क्या एक कॉस्टिंग क्या रहती है सर? इसका वैसे प्राइस जो है 4.5 लाख रुपये है और हम यहाँ एग्जीबिशन में जो भी कोई आ रहा है उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25,000 का, तो ये 4,25,000 की पड़ती है विद एक्सेसरीज के साथ में। अच्छा। सर आप बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस जो है काफ़ी लो है, निगलिजिबल है, किस आधार पर सर? एक्चुअली क्या होता है, जितने भी दूसरे ब्रांड्स की जो भी मशीनरीज आती हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट रेंजिंग फ्रॉम 1,500 से लेके जो है 5,500-6,000 रुपये पर महीना पड़ती है, हमारे अराउंड 400 से 500 रुपये पड़ती है। अच्छा। मेंटेनेंस वो भी कंज्यूमेबल्स आइटम्स हैं, निडल है या स्प्रिंग है, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। हाँ सर, इसके अंदर जैसे अगर कोई धागे टूट गए क्या सिस्टम लगे हुए हैं? ऑटो सॉफ्ट मोशंस है, अगर कोई भी धागा टूटता है तो अपने आप मशीन बंद हो जाती है, उसमें वेस्टेज कम आती है। अगर कोई टेप इधर लिपट गई उसके बावजूद भी मशीन में ऑटो सॉफ्ट मोशंस है वो रुक जाती है मशीन। धागा टूटता है तो ये अपने आप सेंसर के साथ टच होकर बंद हो जाती है। पीछे का टूटता है, पीछे सेंसर लगे हुए हैं, तो क्वालिटी आपकी अच्छी आए इसके लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं इसके अंदर हमने, मतलब सारा सेंसर सब हर चीज़ सेंसर सिस्टम दे रखा है इसके अंदर हम लोगों ने। नेक्स्ट मशीन जो है ये हम सैंपल वार्पिंग मशीन लेके आए हैं, ये इटसेल्फ में एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पर। इसको जो है आप अगर बीम भरना होता है, जो भी धागे जो वार्प के होते हैं जिससे बीमिंग होती है, उसमें नॉर्मली वार्पिंग मशीन जो आती है उसमें बड़े जितने धागे चाहिए, जैसे 100 धागे चाहिए तो 100 धागे का क्रील लगा के आप बनाते हैं। इसके अंदर सिंगल थ्रेड से जो है आप बीम बना सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी कभी सैम्पलिंग है, किसी कस्टमर को दिखाना है, तो एक धागा अरेंज कीजिए, एक कोन अरेंज कीजिए, उससे आपका पूरा बीम बन जाता है और उससे आपकी टेप का सैंपल दिखा के प्रोडक्शन का ऑर्डर लिया जा सकता है। तो उस सेल्फ में ये काफ़ी इफेक्टिव मशीन है। ये हमारी नेक्स्ट न्यू इन्वेंशन है ये। इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग मशीन है, ये डिफरेंट तरीके की है, सर्कुलर है, इसमें रबड़ फीडिंग अटैचमेंट के साथ में इसमें जितने भी ब्रा इलास्टिक जो चल रही है, कैमिसोल्स जो चलते हैं उसके इलास्टिक्स को बनाने के लिए ये मशीन है। इफेक्टिव मशीन है काफ़ी, ये अभी हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है 1,75,000 है डबल हेड का।
सर किस तरह के धागे इसमें यूज कर सकते हैं? इसमें आप नायलन यूज कर सकते हो, स्पेंडेक्स भी लगा हुआ है इसके अंदर, और इसमें लेटेक्स जो रबड़ है वो आपका फीडिंग में चल रहा है इसके अंदर। तीन तरीके के धागे यूज हो रहे हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारी हाई स्पीड ब्रेडिंग मशीन्स है, जितने भी लेसेस, ड्रॉ कॉर्ड्स, शू लेसेस और जितने भी रोप्स हैं वो सारी की सारी बनाने की ये मशीन होती है। इसके अंदर आप काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स हैं, मेरे पास 100 से ऊपर मॉडल्स हैं इन तरीके की मशीनों के। क्या 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 सर, आप 100 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के मॉडल्स हैं हमारे पास जी। इसके अंदर जो अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं ये 40 स्पिंडल की मशीन है, डबल हेड की। इसमें 40 धागे की पोजिशंस हैं जिससे कि मिल के ये रोप बन रही है इसमें। इसको नॉर्मली जो हमारी गारमेंट लैंग्वेज में ड्रॉ कॉर्ड्स कहते हैं। तो सर इसमें किस तरह के सेंसर है और किस तरह के? इसमें भी सेम, इसमें भी अगर धागा टूटता है तो यहाँ सेंसर लगा हुआ है, तो ये स्पिंडल नीचे जाता है, इमीडिएटली मशीन रुक जाती है इसके अंदर भी। यान ब्रेकेज के ऊपर जो भी आपकी डैमेज आते हैं वो उसको स्टॉपेज करने के लिए हर एक सिस्टम लगा हुआ है इसमें भी। ये है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी सेंसर्स है वो सारा अवेलेबल है इस? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सेम इसी तरीके से ये दो भी ब्रेडिंग मशीन ही हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। और इसके अलावा सर और भी क्या मशीनें आप इसमें? हम लोग जो दूसरा हमारा जो सेक्शन है उसमें हम डिजिटल प्रिंटिंग मशीन शो कर रहे हैं, जो फैब्रिक पे, गारमेंट्स पे जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है, उसकी मशीनरीज भी हम लोग देते हैं। जो आजकल DTF का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है, टी शर्ट्स पे जो स्टिकर्स चल रहे हैं, उसकी मशीनरीज भी हम लोग देते हैं। अभी डिस्प्ले में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट दीज ऑल काइंड ऑफ मशीनरीज वी आर डूइंग इट। वो तो जो इंटरेस्टेड है और जिनको चाहिए तो वो तो आपके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट है www.ywenley.com, उस पर आइए, आपको हर तरीके की जिपर मशीनरीज, हर तरीके की नैरो फैब्रिक इंडस्ट्रीज की मशीनरीज वहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा सर, जैसे ये सारी मशीनरीज है, इसका सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का क्या रहता है? इसमें हमारे पास बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारे पास सर्विस इंजीनियर्स की अराउंड 15 मेरे पास इंजीनियर्स हैं। जब भी आपका कोई भी ऑर्डर आता है तो हम प्रॉम्प्टली, हमारा जो सर्विस टीम है वो एक्टिवेट हो जाती है। उनके पास हमने पूरा CRM सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो उनके पास मैसेज आता है कि मशीन डिलीवर्ड हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से जो है सर्विस के लिए कॉल लेके उनको सर्विस इंस्टॉलेशन करवा के देते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम एक साल की वारंटी देते हैं, उसके दौरान कभी भी कोई भी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा इंजीनियर उसको करेक्ट करके देता है। और ट्रेनिंग का क्या रहता है? ट्रेनिंग आप हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी कोई कस्टमर अपना पर्सन, टेक्निकल पर्सन भेज सकता है। हमारी फैसिलिटी ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है, दे कैन कम एंड दे कैन, वी कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑल्सो। और जैसे डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग है, जैसे जकार्ड मशीन्स आती हैं, उनकी ट्रेनिंग हम खुद देते हैं, हमारा अशोक विहार ऑफिस में देते हैं। अच्छा। उसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते कस्टमर से। अच्छा। सर एक बात है, अगर कोई प्लांट बिठाना चाह रहा है, इस इंडस्ट्रीज में आना चाह रहा है, एक क्या बजट लेके चले अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, और इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य है सर? देखो भविष्य तो काफ़ी अच्छा है, इसके बगैर कुछ काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये देखने में छोटी चीज़ है। हाँ, देखने में छोटी चीज़ है, लेकिन एक गारमेंट को बनाने के बाद उसमें सजाने की हर एक वस्तु जो है इसी से बनती है, तो ख़त्म तो होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी साल से, मेरे को 24-25 साल हो चुके हैं इस लाइन के अंदर, और मैंने इसको ग्रोथ में ही देखा है, कम नहीं हुआ कभी भी। और रही बात स्टार्टअप के लिए कितना फ़ंड, एटलीस्ट 10 लाख रुपये लेके चलिए, 10 लाख के अंदर अच्छा काम शुरुआत कर सकते हैं और हैंडसम मनी भी कमा सकते हैं इसके अंदर। और सर अगर कोई इंटरेस्टेड है आपकी मशीनरीज में तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारा अशोक विहार में ऑफिस है, आप डायरेक्टली आ सकते हैं हमारे ऑफिस में, सेल्फ विजिट भी कर सकते हैं, और आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। आई कैन अरेंज माय मार्केटिंग पर्सन, दे हैव कन्वर्सेशन, और वो जो भी उनको चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो दे कैन कॉन्टैक्ट। बिजनेस कार्ड शो कर। और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एंड इस इंडस्ट्रीज के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? भाई ये मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ के लिए, बट लेकिन कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके से कभी भी मेरी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, हमारी लाइन के अगर आपको बनाना है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप लोग हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छी हमारी प्रेजेंस है इंडिया मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट हम मोर देन 60% मार्केट को फीड कर रहे हैं इस वक्त ओवरऑल, तो बाकी आई डोंट थिंक सो वेस्ट और कुछ कहना चाहिए मुझे। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद।